नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। मुझे कोविड हुआ था तब, वैसे जब फीवर था तब उस समय मतलब ज़्यादा बैठना भी मुश्किल हो रहा था, तो उस समय तो मैंने पढ़ाई को रेस्ट ही दे दिया क्योंकि हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन जब फीवर डाउन हो गया बट फिर भी कोविड के बेसिक सिम्टम्स थे, तो उस समय मतलब मैंने फिर भी पढ़ाई चालू रखी। मतलब मैंने ऐसा हो रहा था कि जब मैं पढ़ नहीं रहा था तब थोड़ा एंग्जियस फीलिंग भी आ रही थी कि मतलब कि ज़्यादा लॉस हो रहा है वैसे, तो इसलिए थोड़ा करना ही पड़ा मेहनत। मुझे वैसे साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब इलान मस्क जैसे लोग हैं वो भी इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, तो मुझे वैसे चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी तो मेरा टारगेट IIT दिल्ली में है, और अगर उधर ना हो पाए तो फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उधर बेंगलोर में, उधर जाने की सोच रहा हूँ, और वहाँ मतलब साइंस ग्रेजुएशन। का प्रिपरेशन मैंने 10th स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ मैं, और मेनली फोकस मैंने एडवांस पे किया था, और मेंस के अराउंड 1 मंथ पहले से मेंस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और उसमें मेजरली मैं NCERT पढ़ता था मेंस के लिए, और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स तो एडवांस का पढ़ने से हो जाता है, और क्वेश्चन पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे केमिस्ट्री और मैथ्स में, और पास्ट ईयर के पेपर्स भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे। फैमिली में मतलब रोज़ के मैं 10 घंटे जितना पढ़ता था, और रोज़ पढ़ने में वो थोड़े देर बाद बोर हो जाते, तो तभी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत मोटिवेट किया और एनवायरनमेंट बनाया ऐसे कि मैं पढ़ पाऊँ, घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था।